वीडियो में आप जो देख पा रहे हैं गारा बनाने वाले या ईंट बनाने वाले मशीन का बरम है, और ये वर्तमान समय में पटियाला शहर में खड़ा हूँ। यहाँ इस भट्टी के द्वारा गर्म करने के बाद अंदर जो डाइयाँ लगी उस डाइयों के माध्यम से बन रहा है। पूरी इंडिया में डाइयों के माध्यम से ये गारा बनाने वाले मशीन का बरम कहीं नहीं बनता। जहाँ डाई के माध्यम से ये बरम बनेगा उसका बेनिफिट ये है कि एक तो इसका जो साइज़ है वो चाहे आप एक पीस लें चाहे आप 100 पीस लें इक्वल रहेगा, और अगर ये साइज़ इक्वल रहेगा तो ट्रैक्टर आपका लोड कम लेगा, डीजल की बचत रहेगी, और डीजल की बचत रहेगी। और मज़े वाली बात है कि अगर आप डायरेक्ट जहाँ से ये बरम बन रहा है वहाँ से अगर आप लेते हैं तो आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि यहीं से बरम लेके मिस्त्री अपनी मशीनों में फिट करते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट फैक्ट्री से लेने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ आपको हर साइज़ में अवेलेबल रहेंगे। आपके पास जिस मिस्त्री की मशीन बनी है सिर्फ आपको उस मिस्त्री का नाम बताना है या मशीन की फ़ोटो भेजनी है कि भैया हमें इस मशीन के इतने बरम चाहिए, आपको मिल जाएंगे, और आप इसे अपने नज़दीकी मार्केट में किसी भी मिस्त्री से फिटिंग करवा सकते हैं। फिटिंग करवाना बिल्कुल ईजी है। आपके जो पहले से बरम लगा है उसको आप काट के उखाड़ के बाहर फेंक दें, और ये जो पाइप बची है लाट बचा, इस लाट पे आपको सिर्फ ये इस तरह से रखना है, और रख के इसके ऊपर से यूँ डालना है, और डालने के बाद आप इसको वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करने के दौरान आपको ध्यान रखें कि इन दो बर्मों के बीच की जो जगह है इसमें आपको लगभग 2 सूत की खाली जगह रखनी है ताकि वेल्डिंग से इसे भरा जा सके। इसकी लाइफ की अगर अपने बात करें 1 करोड़ ईंटें बनने की क्षमता है, यानी कि 1 करोड़ ईंट बनने के लिए जितनी मिट्टी मिक्स करनी है वो आप इस बरम के माध्यम से कर सकते हैं। और वहीं अगर आप साधारण बरम लेते हैं तो वो आपकी 50,000 ही बना पाएगी, उससे पहले आपका बरम घस जाएगा, लेकिन ये बरम नहीं घसेगा। नहीं घसने का रीज़न आपको पुनः बता दूँ, इस भट्टी में इसको पहले लोहे को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद इसको गर्म कोई डाइयों में घुमा दिया जाता है, यानी कि इसको शेप दे दी जाती है। शेप देने का कारण क्या है कि इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, और ये तकनीक पूरी इंडिया में और कहीं नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने मशीन कहीं से भी ले रखी हो, अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पटियाला से ले सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वालिटी के साथ है, और जेन्युइन रेट, क्योंकि यहीं से ले कर आपको मिस्त्री दे रहा है। अगर आप मिस्त्री से मशीन ले रहे हो तो वो यहीं से ले कर उस मशीन में लगा रहा है, दोबारा अगर आप ले रहे हो तो वो मिस्त्री यहीं से खरीद के अपना मार्जिन जोड़ के फिर आपको दे रहा है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री से संपर्क करें, डायरेक्ट भाई से लें, ताकि आपको सस्ता पड़ेगा। रेट की अगर अपने बात करें तो ये लगभग 6.5 किलो का 12 mm का बरम है, यानी कि एक पीस की अगर मैं बात करूँ तो जिसकी कीमत आज की तारीख में 6/7/2023 की कीमत है इसकी 1,000 रुपये। समय अनुसार रेट घटता बढ़ता रहेगा, वज़न के अनुसार रेट घटता बढ़ता रहेगा। अगर आप इसे मोटा साइज़ का लेना चाहें तो मोटा का मिल जाएगा, अगर आप इसके छोटे साइज़ में लेना चाहें तो आपको छोटे साइज़ में मिल जाएगा, उसी के अनुकूल रेट लग जाएंगे। 50% पेमेंट दे के आप इसकी बुकिंग करवा सकते हो। पूरा कंप्लीट बनने के बाद डिलीवरी जब यहाँ से निकलेगी उस समय आपको पूरी पेमेंट करनी होगी, या आप यहाँ आके भी ले सकते हैं। पटियाला में इनकी शॉप है, फैक्ट्री है, पटियाला में कौन सी जगह उसके लिए आप दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर अधिक जानकारी ले सकते हैं, और आप अपना तसल्ली बख्श ऑर्डर दे सकते हैं। धन्यवाद।